गाइस ये मेरा ना बहुत जोर से कट गया है, मैं अभी बैंडेज देख रहा हूँ। हे गाइस वेलकम बैक। सो भाई हो गई है अपनी सुबह बढ़िया वाली, एंड जो है मेरे एनर्जी लेवल आप देख रहे होगे भाई इतना हाई हो रखा है क्योंकि जो है अभी मम्मी पापा आने वाले हैं, मतलब अगले 10-15 मिनट में वो पहुंच जाएंगे। उनसे बात हुई थी तो वहां पे पहुंच गए हैं लोग बाईपास के आसपास। तो हाँ मैं भी वर्कआउट वगैरह करके आ गया हूँ, बस एकदम बढ़िया सा। यार मेरे होंठ एकदम पिंक पिंक से क्यों लग रहे हैं? अपन ने तो कुछ खाया भी नहीं है ऐसा पिंक पिंक जैसा, पता नहीं। फिलहाल जो है मस्त एक्सरसाइज करके आ गए हैं एंड जो है बढ़िया वर्कआउट हुआ है और मम्मी पापा का वेट हो रहा है जल्दी से आए 4-5 दिन। यार उनके बिना सही में मन नहीं लगा लिटरली। मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लान होता है ना तो बंदा के माइंड में रहता है कि हाँ भाई वो भाई जो है जाने वाले है ना घूमने कहीं पे। तो अभी कैसा है कि वो एकदम से निकल गए तो हाँ, तो अभी वो आने वाले हैं तो बढ़िया उनका वेट हो रहा है, तो आएंगे तो आपसे मिलाते हैं। फिलहाल जो है थोड़ा सा अपन फ्रेशन अप वगैरह हो जाते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करेंगे बढ़िया मम्मी पापा के साथ। सो गाइस मम्मी पापा इज हेयर, चलो लेके आते हैं उनको। घंटी बज गई देखा, लेट्स गो। आ रहे भाई आ रहे। वेलकम जी वेलकम, बढ़िया हूँ आप बताओ? बढ़िया साहब। गाइस सामान उतार लेते हैं। जय जी गाइस, मिलिए जफर भाई से। जफर भाई थैंक यू सो मच, मतलब जफर भाई का साथ हमारे साथ हमेशा रहता है अगर हम दिल्ली से वापस आ रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं, है ना। सो जफर भाई का नंबर जो है मैं नीचे डाल रहा हूँ, अगर आपको कभी भी कैब की जरूरत हो मुरादाबाद से दिल्ली जाना या रामपुर से दिल्ली जाना कभी भी कहीं, है ना, कभी भी कहीं भी ठीक है, तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करना क्योंकि मेरे हमारे साथ ही हमेशा जफर भाई रहते हैं, है ना। सो गाइस अनीता मैम इज हेयर बैक, कैसे नानू? ठीक है बढ़िया, चलो बढ़िया बढ़िया। क्यों और आराम करो, ठंड कैसी लग रही है? नहीं लग रही ठंड थी यार। अरे बेटा जाई जी तुमने अटैची भी जाई जी क्यों लिखा हुआ है? तो जाई जी किसी को क्या पता, जाई जी कितनी सारी जाई होती हैं, नाम लिखता है बंदा पुष्पा है। हाँ और ये 6 क्यों लिखा आगे? 6 जाई जी हैं या 1 जाई जी है? जाई जी 6। तो गाइस जाई जी के ऊपर भी ना एक कहानी है, मतलब बचपन से ना अम्मा को ना सब जाई जी बुलाते थे, जाई जी, तो मुझे लगा यार अम्मा का नाम जाई जी है। बाद में पता चला अम्मा का नाम जो है पुष्पा है बाद में, पर मैं जाई जी समझता था नाम। एंड हमारी पाली ची बाबू भी उठ गई है, गुड मॉर्निंग कैसी हूँ? सो गाइस बस नहा धो के रेडी हो गए हैं एंड जो है यार हमारी एक रील जो है ना मेरी और मोनिका की हमने एक साथ बनाई थी तो वो जो है वायरल हो चुकी है तगड़ी वाली। सो अगर जिस किसी ने देखी इंस्टाग्राम पे जाके देखो, एक रील है जिसमें अराउंड 170,000 के आसपास व्यूज आ गए हैं एंड यार बहुत ही सही है वो रील देख के, और मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जिस जिसने देखी और आपको कैसी लगी है रील, तो हाँ सो ज़रूर बताना। फिलहाल जो है मस्त रेडी हो चुके हैं नहा धो के एंड आपको तो पता ही है घर के काम तो भाई सबके पास होते हैं डेली होते हैं, तो अभी अपन जा रहे हैं मार्केट थोड़ा सा सामान वान लेने और मोनी का जूस पीने का मन कर रहा है वेजिटेबल, मैं कहा चलो जूस भी पिलाया था तुमको। सो गाइस आ गए जूस की शॉप पे एंड जो है जूस बनवा दिया बढ़िया वाला, तो अभी पैक हो रहा है और अपन भी, मैंने भी सोचा कि यार चलो थोड़ा अपन भी खून बढ़ा लेते हैं मस्त, तो अपना भी आ रहा है जूस साथ में। सो गाइस आ गए बढ़िया अपना खून बढ़ाने के लिए, चीयर्स। वेरी नाइस, विंटर्स की एक ये बात भी बहुत बढ़िया कि वेजिटेबल जूस ना इसी टाइम पे मिलता है। सो गाइस आ गए घर पे एंड अपना तो खून बढ़ा ही आए हैं तो अपनी बीवी का भी बढ़ा देते हैं क्योंकि मैं उसका बहुत खून चूसता हूँ, उसको जो है। या गाइस तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे शॉट लेने के चक्कर में नहीं देखो क्या कर दिया मैंने,
जूस गिर गया यार पर कोई नहीं, मस्त कहना ऐसे करके आया ना तो बढ़िया होगा। चलो लेट्स गो गाइस, क्या मैं ये प्रैंक कर दूं क्या है? मुनिया मेरा हाथ कट गया यार। सुन ना, अम्मा को बोलियो कि ना अम्मा शिवम का हाथ कट गया बहुत ज़्यादा, और मैं आऊँगा कि जल्दी से बैंडेज हो जाए। क्या देखा, हंस मत ना हंस मत ना, जा जल्दी जा, बोलना कि क्या नाम है, हाथ कट गया। मैं ना ऐसे पीछे से आऊँगा वीडियो में। सो गाइस आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ क्या चल रहा है। कैसे कटा है? अरे यार जल्दी दो ना। अरे नहीं यार, किससे कटा है? अरे यार चाकू से कट गया, इधर इस नीचे बहुत खून निकल रहा है यार। मैं नहीं वैसे वो कर, अरे हाँ ये देखो ना, ये पूरा ये भर गया यार। चाकू से क्या काटा था तू? अरे यार वो इतना कैसे कट गया? अरे यार मैं वो पैकेट खोल रहा था, वो एकदम से चाकू फिसल गया। एक तो इतने तेज चाकू रखे हुए ना आप लोगों ने घर में। अरे यार मैं काट रहा था, मैं क्या करूं यार, अरे पैकेट काट रहा था। अरे तूने खून ग्लास में क्यों भरा हुआ है? मतलब क्या पता चल जाएगा गाइस, बहुत ज्यादा हाथ कट गया मेरा। मैं ना वो काट रहा था पैकेट, यार एक हड्डी पड़ी क्या? अरे हड्डी के बीच में कट गया यार। मम्मी से पूछो ना आप इधर कहाँ आ रही हो, इधर मैं बर्फ निकाल रहा हूँ। गाइस ये मेरा ना बहुत जोर से कट गया है, मैं अभी बैंडेज देख रहा हूँ। मम्मी आप बैंडेज दे दो यार, हाथ कट गया बहुत ज्यादा यार, उंगली मेरी बहुत जोर से का रस लग रहा है। प्रैंक, यो 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 चुकंदर कर। चल तू भी मेरा खून पी ले। इसका टेस्ट अलग। अम्मा वैसे आपको लग गया था ना सच्ची? हाँ। है? कहीं भी नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग? अरे अभी सूख गया ना यार, उस टाइम पे लग रहा था। ये ज्यादा टेस्टी है। एक्चुअली ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझसे गलती हो गई थी, पूरे स्लैब पे गिर गया था जूस। सो गाइस ये रहा मेरा कटा हुआ खून। तो इसे साफ कर देता हूँ यार। यार ये कितना रियल लग रहा है यार। हाँ ये लग रहा है थोड़ा, है ना? गाइस मैं यही लेके गया था मम्मा के पास। एक तो गाइस मेरे आधे फ्रेंड जो है ना ये मोनिका खराब कर देती है। भाटिया साहब एक बात बताओ, आपको कोई पता कि नहीं है यहाँ पर फ्रेंड का सीन है? देख रहे हैं क्या समझ गए थे? मुझे पता था, आपको नहीं पता था, आपके सामने मैं आया नहीं क्योंकि जब मोनी आई तो हंस रही थी, मैंने कहा समझ गया। अरे यार ये मोनी ने मेरे प्रैंक खराब कर रखे हैं घर में यार, इसको आइंदा से मैं अपना प्रैंक पार्टनर बनाने नहीं वाला। मोनी सॉरी, यू डोंट डिजर्व दैट प्लेस। आप प्रैंक पार्टनर रहते हो, मुझे प्रैंक करते हो, मुझे हंसी आ जाती है यार। तू ऐसा क्यों? ऑल राइट गाइज, सो टाइम टू एंड दिस व्लॉग। एंड आज आपने देखा भाई जो प्रैंक था ना वो अम्मा पे जो है सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि वो लिटरली ऐसे लग रहा था कि ना खून निकल रहा है। तो हाँ, बट अगर मोनी जो ये बासी ले रही है ना कैमरे के उस तरफ, अगर तूने जो है अपना नाटक नहीं किया होता, मतलब ग्लास लेके आ गई, उन्हें पता ही चल जाएगा कि खून थोड़ी है तो चुकंदर का कचुंदर कह रहा हूँ मैं चुकंदर का जूस है। पर हाँ फिर भी जो है हम लोग कामयाब हो गए उस चीज़ को, तो अम्मा प्रैंक हो गया अम्मा के ऊपर। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाइएगा। सो विद दैट सेड आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय टाटा।